स्वामी जी प्रणाम, मेरा नाम मनोज राय है, मैं बड़ौदरा गुजरात से आया हूँ। अच्छा साथ ही नहीं अलग अलग, वो दूसरी वाली उधर बैठी। तो स्वामी जी, मेरे को 2013 दिसंबर में लीवर सिरोसिस डिटेक्ट हुआ था, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसऑर्डर। और उसके बाद 2016 में डायबिटीज और थायराइड सब आ गया। तो अभी फरवरी तक तो मैं डायबिटीज़ में टैबलेट लेता था, लेकिन फरवरी के बाद अचानक डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 580 के ऊपर चला गया। तो डॉक्टरों ने मेरे को इंसुलिन पे ला दिया और मैं 14 जुलाई तक स्वामी जी इंसुलिन की 114 यूनिट लेता था डेली का। 114 जी, मतलब 20-20-20 तीन बार सवेरे खाने के पहले, दोपहर का खाने के पहले और रात को खाने के पहले। और नहीं तो शुगर बड़े शूट कर जाए। 580 के ऊपर चला गया था। राम राम। अभी आज यहाँ 7वां दिन है मेरा, 15 तारीख को मैं आया। हाँ। और कल मैंने सिर्फ 22 यूनिट इंसुलिन लिया है। टोटल कितना था पहले? 114। नाम क्या बताया? मनोज राय। और कल कितना लिया? कल सिर्फ 22 यूनिट लिया है स्वामी। अब आपको 5 दिन और ठहरना पड़े। मैं 30 तारीख तक यहाँ पे हूँ। बस आपको नॉन डायबिटिक करके ही भेजेंगे। धन्यवाद मनोज जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। 114, ये तो एकदम हाई डोज होती है। और लीवर के लिए भी स्वामी जी मैंने सारा एलोपैथिक जो दवाइयाँ थी सब बंद कर दिया, और यहाँ से जो लिवोग्रिड जो दे रहे हैं उसी का ये कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब ने भी कहा है, मैं डॉक्टर साहब से भी मिला था, इन्होंने कहा कि नहीं सही है, आप अपना अभी एलोपैथिक दवाइयाँ बंद कर दीजिए, इसको देखिए। लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, लीवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस 100% क्योर होता है। जो हम बताएं वैसे खाओ, प्योर लिवोग्रिड लिवामृत लो बस, और आपका भी ठीक करके भेजेंगे। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। लीवर चेंज कराते तो 50 लाख लगते, उससे भी ज़्यादा। और सर सबसे बड़ा स्वामी जी प्रॉब्लम ये है कि लीवर चेंज करने के बाद में डॉक्टर से मैंने पूछा कि अगर मैं चेंज कराऊं तो गारंटी देते हो कि 2-5 साल चलूंगा? तो बोलते हैं कि उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप 5-1 लाख रुपए दान कर देना पतंजलि। कर देंगे स्वामी जी, कोई दिक्कत नहीं। वो बहन जी कुछ कह रही है, मैंने कहा भाई तुम्हारे 50 लाख 1-1 करोड़ बचा रहा हूँ तो थोड़ा दान करो यार। स्वामी जी इनको हुआ इसलिए कि ये KFC और मैकडोनल्ड के फैन थे, घर में खाना खाते नहीं थे, हमारे सुनते नहीं थे। ये ठीक बात बताई। पहले ये इधर उधर के जो खाने हैं ना, टेस्टी टेस्टी अच्छा अच्छा लगता है, लजीज सा है। जी स्वामी जी, वो गलत आदत पड़ गई थी। मनोज जी जंक फूड खाता था, बहुत ज्यादा जंक फूड की आदत हो गई थी, जिसके वजह से। नौकरी क्या, बिजनेस है कि नौकरी? अभी बिजनेस कर रहा हूँ, उस समय जॉब पे था जिस समय मतलब टाइम नहीं मिलता था। वो आदत पड़ गई, फिर वो टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब वो घर वाला जो है सादा खाना अच्छा ना लगे। 7-8 साल तक वही जंक फूड पे रहा, जिसके वजह से पूरा फैट डिपोजिट हो गया और फिर वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। हाँ, आप पूरा ठीक कर देंगे आप। ये मैं एक की बात नहीं कह रहा हूँ मनोज के लिए, सबके लिए कह रहा हूँ। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लियो फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, सब ठीक होता है। चलो आशीर्वाद है भाई, बच गया ये लीवर। फैटी लीवर से भी मरेगा नहीं अब। और शुगर बताओ, 114 इंसुलिन, कुछ बात है? पूरा बंद हो जाएगा, और जब तक बंद नहीं होगा यहाँ से भेजेंगे ही नहीं। क्योंकि घर जा करके फिर तुम ढीले पड़ जाते हो, फिर वही दुनियादारी। ओम स्वामी जी। हाँ। बाकी सब भस्त्री का कपाल भाती करो ना। मेरा नाम गीता आमीन है, मैं कोलकाता से आई हूँ। अच्छा। मेरे को 2016 में कैंसर डायग्नोस हुआ था। हाँ। और उस समय मैं 3 दिन में 4 डॉक्टर को दिखाई, चारों डॉक्टर एक ही बात बोला, आप अभी एडमिट हो जाइए, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं उस समय 2016 में इधर में आ गई, और इधर आके सारा सब सीखी, और इधर में भी मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। 16 में घर जाके मैं खाना पीना भी चेंज करी, योगा प्राणायाम वो सब की, और आयुर्वेदिक दवाइयों से 2018 तक मेरा पूरा क्योर हो गया कैंसर। क्या यूट्रेस का कैंसर? ये यूट्रेस का कैंसर था शुरू में, आज मैंने बोला था गीता, और दूसरा छोटा सा बालक अनुभव, और मैं दोनों ठीक है। मैं उस समय 2 ही टाइम खाना खाती थी, सुबह में स्प्राउटेड मूंग फ्रूट जूस और शाम को पका हुआ खाना। मैं हमेशा बोलता हूँ 2 बार खाओ, बार बार क्यों खाते हो?
खाने के समय पीछे ऐसे अनाज के दुश्मन बने हुए हैं। उस समय मैं शीर्षासन भी सीखी और 40 मिनट तक शीर्षासन करती थी। के राम जोरदार भाई है तू गीता पे। चलो खुश रहो, पीछे एक तगड़े से भाई को देना। थैंक यू बाबा जी। ओम ओम, सब अनुलोम विलोम करो। चलो थोड़ी देर। ओम स्वामी जी। स्वामी जी करना सीखो, 5 से 10 मिनट। हाँ स्वामी जी, मैं पिछली बार इसी टाइम पे यहाँ पे आया था जब मेरा 106 किलो वजन था। नाम क्या है? महावीर पारिक। महावीर? हाँ, कोटा राजस्थान से हूँ। 106 था? हाँ, और मैंने रेगुलर आपको फॉलो किया और आज मेरा 87 किलो वेट है। चलो भाई, और इसके लिए जोरदार ताली बजा दो बच्चे के लिए। 106 से नीचे आया कूद करके। स्वामी जी बैक में अब 80 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए ना, 75 लेके आना। मैं तो स्वामी जी 75 के ऊपर लक्ष्य लेके चल रहा हूँ इस बार। हाँ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और कल बैग में पेन था तो सिंगी लगाए तो बिल्कुल गायब ही हो गया, जैसे कि बैग में पेन ही नहीं था। ये श्रृंगी ऐसी है, 99% लोगों को तो लगाते ही गायब हो जाता है, किसी को तुरंत फायदा ना हो तो फिर धीरे धीरे हो जाता है। जैसे जगदीश जी ने बोला 76 साल की उम्र तक, और क्या चाहिए तुमको। खुश रहो भाई। स्वामी जी मैं संकल्प लेके जा रहा हूँ कि साल में एक बार जरूर यहाँ पे आऊँगा मैं। एक बार आने से फिर पूरा फिर जो है ना पूरी एनर्जी चैनलाइज रहती है। महावीर खुश रहो बेटा, उसको देना गुड़िया को। स्वामी जी प्रणाम। मेरा ACL ग्रेड 3 टीयर है, मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी। मैं घर में पिछले 6 महीने से टीयर है स्वामी जी। मैं घर में कोशिश कर रही थी, योगा कर करके थोड़ा बहुत चलती थी, बट यहाँ जब से आई हूँ मेरा पूरा दर्द गायब हो गया है स्वामी जी, और मैं यहाँ पूरा दिन दौड़ा भागी करती रहती हूँ। क्या नाम है? सौम्या अग्रवाल। सौम्या के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। छोटे छोटे बच्चों को बोले तेरा बैकबोन टीयर हो गया, तेरा ये एल में, तेरा एस में, L4-5 में, तेरा S1 में, तेरा इसमें उसमें, फिर किसी को एंक्लोजिंग, किसी को जो है स्किलियोसिस, किसी को बैक के, किसी को शैटिका, ये नाम अलग अलग धर रखे हैं। अरे भाई स्पाइन को ऑर्डर में लेके आओ स्वामी जी। लिगामेंट की फास्ट रिकवरी के लिए कुछ बता दीजिए ना। लिगामेंट्स की फास्ट रिकवरी के लिए सबसे अच्छा है लाक्षादी गूगल खाओ जी। लाक्षादी गूगल और अश्वशिला पूरा मजबूत हो जाएंगे और धन्यवाद, वेट भी कम हो जाएगा। खुश रहो, अनुलोम विलोम करो। अब देखो जिनको अब वेट वाला तो बताया, स्थित कोणासन, चक्यासन, भुजंगासन, सलभासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन। अब पूज्य स्वामी जी आप मेरुदंड के करो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, और आप महात्मा जी पवन मुक्तासन करो, तो कठिन कठिन आसनों में लगे हुए करो, करो इसको भी करो। ये तो 5-5 मिनट सारे आसन करते हैं कठिन कठिन, मयूरासन, हस्तासन, शीर्षासन, अब पर्वतासन, ये भी महात्मा जी गोडों पर खड़े होते हैं, सीधे सीधे काम करते नहीं, सारे उल्टे उल्टे करते हैं। मयूरासन करो, मयूरी भी और मयूर भी, ये क्यों लोगड़ी ले रखी, इसको नीचे डालो। अब ये महात्मा जी 5 मिनट करते हैं मयूरासन भी, और तुमको छोटा सा आसन 5 मिनट करने के लिए बोलते हैं, उसी में तुम ऊंचे नीचे हो जाते हो। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी मुझे 6 ईयर से रूमेटिक आर्थराइटिस प्रॉब्लम हुआ और थायराइड प्रॉब्लम 10 ईयर्स। मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया लेकिन ट्रीटमेंट से मैं कोई फायदा नहीं, बहुत साइड इफेक्ट हुआ। हाँ ये तो बहुत पेन किलर, स्टीराइड और सिंथेटिक दवाएं देते हैं थायराइड के लिए, सिंथेटिक हार्मोन। इसलिए मैंने बहुत दिन से सोचा यहाँ आएगा और कुछ करेगा, मैसेज मिलेगा मेरे लिए। हाँ अभी भगवान ने इस बार मुझे यहाँ ले आया। अब कैसा है? अभी मुझे 4 डेज हुआ, थोड़ा सा मैं कमती लगा, लेकिन अभी भी मेरे हाथ पांव जॉइंट कष्ट हुआ। अब इसमें सारा पीडानिल डाइट पर ही रहना है, कुछ नहीं खाना। खाली पीडानिल पे पियो, ATM की सब्जी, और 1 से 2 सप्ताह में पूरा तुम्हारा दर्द खाली करके भेजे बस। हाँ हाँ समझे। और थायराइड के लिए थायरोग्रिड देते हैं, धनिया का पानी देते हैं, उसकी भी दवाई बंद कर देते हैं। चलो खुश रहो, ठीक हो जाएगा, एलोपैथी का बंद। ठीक है समझे। मैं तो फिजियोथेरापी कर रहा है और
तो भी मुझे कोई काम नहीं जब मैं एलोपैथी वो केवल फिजियोथेरेपी से नहीं होता है, केवल फिजियोथेरेपी से थोड़े मूवमेंट्स अच्छे हो जाते हैं, इसलिए प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम और ये सब थेरेपी पंचकर्म षटकर्मा पंच महाभूत चिकित्सा जरूरी है। चलो पीछे देना। थैंक यू स्वामी जी। खुश। ए कमर वाले तो मकर आसन भुजंगासन करो जिनको कमर में दर्द है, और बाकी पवन मुक्तासन करो। थोड़ा इधर आओ महात्मा जी। हाँ जी, पवन मुक्तासन करो लेट के, उत्तान पादासन करो। हाँ आप बताओ बहन जी, तुमने क्या कर लिया? प्रणाम स्वामी जी। हाँ मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, पालघर जिले से, सोनाली गांधी मेरा नाम है। मैं यहाँ पे आई थी तो डॉक्टर ने मुझे मसल टियर बोल के 3 महीने से बेड रेस्ट दी थी। और इतनी मुझे तकलीफ होती थी कि मैं आगे झुक भी नहीं पाती थी, तो मैं यहाँ पे आ गई ट्रीटमेंट के लिए। दूसरे ही यहाँ पे आई, दूसरे ही दिन मुझे श्रृंगी लगवाई गई थी, तो उससे मेरा सारा दर्द चला गया है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, 1% नहीं है अभी। और मुझे दोनों घुटनों के लिए रिप्लेसमेंट कहा है डॉक्टरों ने, तो मैं यहाँ पे आई तो कल मुझे दोनों घुटनों पे पहली श्रृंगी लगवाई है, तो उन्होंने कहा है कि और 4 लगवाने से आपका पूरा दर्द चला जाएगा, रिप्लेसमेंट करवाने नहीं पड़ेगी। चलो दर्द तो चला ही गया है और रिप्लेसमेंट का प्रश्न ही नहीं है। उम्र कितनी है? 46। क्या नाम है? सोनाली गंधे। लो सोनाली गंधे। और डॉक्टर ने कहा है कि सी और B12 विटामिन जो है मेरा शरीर ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो इसलिए मुझे ये पंचकर्मा षटकर्मा करने से सब ऑब्जर्व करेगा। और फिर वो सिंथेटिक मत लेना, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन पाउडर सब पतंजलि का लिया करो, 100% या तो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, बायोफर्मेंटेड है, कोई सिंथेटिक चीज नहीं है, नो केमिकल, नो एनिमल, नो सिंथेटिक। धन्यवाद स्वामी जी। चलो ठीक रहे, पूरा दर्द गायब हो गया सिंगी से। डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन कराओ, बेड रेस्ट 3 महीने से ऐसे डाल देते हैं, बोल पड़े रहो, पड़े पड़े और सड़ो, ये तो बहुत ही खराब काम है। इन डॉक्टरों को पता नहीं कब अकल आएगी कि जब लोगों को कहेंगे कि 3 महीना पूरा योग करो। मैं कहता हूँ 3 महीना योग कर लो, 2 महीना योग कर लो, और वो कहते हैं पड़े रहो, बेड रेस्ट। कितना बैड काम है बेड रेस्ट करना, दुनिया का सबसे बुरा काम है पड़े पड़े सड़ना, लेकिन पड़े पड़े सड़ना मंजूर है, योग नहीं करेंगे। ये बेड रेस्ट ये तो दुनिया में सबसे नारकीय काम है। हाँ बहन जी, क्या मिला आपको? बोलिए। ओम साईं बाबा। ओम भाई। ये बताना चाह रहे थे बाबा कि हम लोग को आए हुए 3 दिन हुआ है, 3 दिन में वजन, मेरे मम्मी हैं, पापा हैं, हस्बैंड है, मेरा 1 किलो कम हुआ, पापा का 3 किलो, हस्बैंड का भी 3 किलो और मम्मी का 2 किलो, टोटल परिवार का कितना हो गया? और लगभग 10 किलो वजन कम कर लिया 3 ही दिन में पूरे कुंडबे ने, 10-12 किलो। हाँ। और क्या फायदा हुआ? और ये बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड है, उसमें भी आराम है। इसकी सब दवाई बंद कर देना, बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिड, हाँ। कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, ये कंटिन्यू करना लेकिन। हाँ अर्थात ये है बाबा, पैर में भी रहता पेन, इसके लिए श्रृंगी और करवा लेना, सारा दर्द गायब। मेरे बेटा बेटी दोनों योग करते हैं बाबा, आप आशीर्वाद दीजिएगा दोनों, पूरा परिवार अब यहाँ भी आया हुआ है और जो नहीं आया हुआ सब परिवार को योग में ढाला हुआ है, अच्छी बात है, ऐसे ही करना है ना। खुश। कितना ही रोग हो भाई साहब को देना, बहुत देर से खड़े हैं। ओम स्वामी जी। मेरे को 15 साल से डायबिटीज था, 15 साल से। नाम क्या है? दिनेश। दिनेश गुजरात थी? गुजरात से। हाँ सूरत से। हाँ 15 साल से डायबिटीज था, मैं योग कर रहा था लेकिन मेरी हिम्मत एलोपैथी दवा छोड़ने की नहीं थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, यहाँ आके छोड़ दिया। अभी मेरा शुगर नॉर्मल हो गया। लो आने के बाद एक भी गोली नहीं ली। आने के बाद एक भी गोली नहीं? 3 गोली लेता था सुबह, 2 पर शाम, यहाँ से आके छोड़ ही दिया, लिया ही नहीं, जो होना है होगा, यहाँ का दवाई लिया ही नहीं। हौसला रखो, यहाँ भी आके डरते रहते हैं लोग, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, अरे गड़बड़ क्यों होगा? और ये हाथ ऐसे नहीं होता था, अभी शुरू हो गया पूरा। हाथ जाम हो गया था, दो मुखासन में नहीं बैठ पाता था, ये अभी कंप्लीट हो गया। और मिसिस को सर्वाइकल का बहुत प्रॉब्लम था, वो भी था, ये पण सारी थी गई। हां एनु शुं नाम छे? इंदुबेन।
इंदुबेन दिनेश भाई बनने सारा थी गया एने सू प्रॉब्लम हती उसको प्रॉब्लम था सर्वाइकल का 15 मिनट बैठ नहीं पाती थी हाँ। सब डॉक्टर को दिखाया बोला ये प्रॉब्लम अपना स्नायु जाम हो गया है होगा ही नहीं है हाँ। यहाँ आके सिंगी लगवाया कसर किया अभी जीरो हो गया एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उसका शुगर भी कंट्रोल हो गया उसकी दवा भी छोड़ दिया उसने भी लो शुगर भी ठीक और बोले जो ये मसल्स जाम हो गया खुलेगा ही नहीं अरे क्यों नहीं खुलेगा अब खुल जाएगी गर्दन ऐसे नहीं होती थी वो भी शुरू हो गया एकदम सारा शरीर खुल गया अंदर के सारे फंद कट गए चलो बने राजी थे ही कैसे हाँ खुश रहो प्रणाम स्वामी जी हाँ मेरा 15 साल से घुटनों में दर्द था ठीक हो गया उम्र कितनी है तुम्हारा 31 इसको 41 बताओ 25 साल की उम्र में घुटनों में दर्द आ गया था कल इसका हस्बैंड बड़ा खुश हो रहा था तो मैंने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है जो 15 साल से दर्द था तुम्हारी उम्र ही 20-25 साल की लग रही है तो बोले स्वामी जी नहीं मैं 41 की हो गई हूँ मैं 19 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ हाँ ये मेरे को सब आसन आता है सब आसन करने लग गया अब ठीक हो गई है नहीं तो ये दर्दें बहुत परेशान करती हैं आदमी का वहीं ध्यान रहता है फिर घुटनों में कमर में जोड़ों में कहीं पर भी पीड़ा हो जाए ना सबसे ज़्यादा दुख संसार में रोग देते मेरा हस्बैंड का 2 साल पहले डेंगू हुआ था तो उसमें उसका बीपी हाई हो गया था जो दिन एडमिट किया था वो दिन बीपी लो था फिर एक दिन के बाद बीपी हाई हो गया था फिर मैंने घर पे आया तो उसको दूधी का सूप दूधी का हलवा और दूधी का जूस बना के दिया था और सब्जी हफ्ते में तो 2-3 बार होता ही है तो उसका भी बीपी भी नॉर्मल है ये देखो इधर ही खड़ा है इसको दो अभी तेरा बीपी कैसा है अब तो एकदम बढ़िया है इसका बीबी ने इसका बीपी ठीक कर दिया इसको लोकी खिलाया पिलाया सब स्वामी जी मैं नाम भूल जाता था सबका जैसे क्या है ये इसका ऐसा लेकिन अभी मुझे लग रहा है मेरा नाम याद आ रहा है सबका जैसे काल एक वो एक्वा प्रेशर किया तो भूलने की भी बीमारी शुरू हो गई थी थोड़ी भूलने का बीमारी शुरू हो गया था मेरा तो काल वो एक्वा प्रेशर किया था उसका नाम भी अभी याद है क्या नाम है आपका सुनील जी आपका क्या नाम है सुनील जी हाँ तुम्हारा क्या नाम है मनोरंजन मनोरंजन बंगाली हो हाँ जी अहमदाबाद से आया हूँ वहाँ रहते हो सर्विस करते हो है तो भूलने का भी बीमारी हो जाता है थोड़ी उम्र में आजकल फिर अल्जाइमर फिर डिमेंशिया फिर पता नहीं पार्किंसंस उपद्रव सारा ठीक कर लिया आप उस दिन बोले थे जो दाएं आँख से लेने का और बाएं आँख से छोड़ने का जिसका भूलने का बीमारी है हाँ। तो उसमें मेरा बहुत फायदा हुआ हाँ मैंने बोला था लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन अच्छा इतनी सी बात उसी से ठीक कर लिया जाओ खुश रहो हाँ भाई साहब दो भाई और भी पीछे खड़े उनसे भी पूछ रहे हैं ओम स्वामी जी उत्तर प्रदेश सोनभद्र से बालगोविंद यादव आयो मैं अपने दर्द बहुत था लेकिन दर्द कम हो गया है साहब और वजन भी 12 दिन में 6 किलो कम हुआ है वजन कम कर लिया दर्द ठीक कर लिया उम्र कितनी है उम्र 63 साल है 63 साल आजकल ना ये दर्दों का फिर सब बोलते ऑपरेशन करा लो जी ऑपरेशन में वही 4-5 लाख रुपए लेकर के फिर कबाड़ा करके छोड़ देते हैं ये यहाँ आ गए कि भाई चलो अपने को ये काटा पीटी में नहीं जाना है काटा पीटी लूटा पीटी चल रही है चलो खुश रहो जी गोविंद जी जी भाई साहब ओम स्वामी जी ओम मुझे 2003 से शुगर था है मतलब था नहीं है और मैं योगा करके कंट्रोल कर रहा था और खेल कूद करके ही को कंट्रोल किया था 2017 में मुझे हार्निया और गाल ब्लेडर का ऑपरेशन हुआ था तो उसके बाद योगा छूट गया और 2018 से मैं एलोपैथिक की दवा खा रहा हूँ अभी 17 तारीख को मैं आया हूँ बाबा जी तो 17 तारीख को शाम को मैंने दवा ली थी एलोपैथिक की उसके बाद छोड़ दिया और 18 को मधुनाथनी मधुग्रिड लिया था और 19 से कल तक छोड़ दिया था उसको और कल चेक कराया तो नॉर्मल आया है एलोपैथी की दवा बंद और अब आयुर्वेद की भी धीरे धीरे छूट जाएगी पूरी
और इसकी प्रेरणा हमारे मित्र को मिली है नरसिंह यादव जी से, सोनभद्र से हम लोग आए थे। अच्छा जी, अब सबकी दवाइयाँ बंद हो रही हैं सब। और बाबा जी, उनको थायराइड है और वेट थोड़ा कम है, उनको भी आप अश्वगंधा शतावर देना और थायरोग्रिड दे देना जी। थायराइड हाइपो हो या हाइपर हो दोनों ही ठीक हो जाते, थायराइड को रेगुलेट कर देते। चलो खुश रहो। हाँ भाई साहब। ओम गुरुदेव, कोटि कोटि वंदन। मैं आज 5 दिन पहले यहाँ आया था, घुटने की बीमारी से बहुत ग्रसित था, चल नहीं पा रहा था। यहाँ आकर के घुटने बिल्कुल ठीक हो गए हैं, सरंगी कराई और जानू बस्ती कराई, इससे बिल्कुल आज एकदम घुटने का रोग खत्म हो गया। ये इतने फालतू में दर्द है कि घूमते रहते हैं, एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, कोने का दर्द, कंधे का दर्द, कमर का दर्द। लगभग 99% लोगों का तो श्रृंगी से ही दूर हो जाता है, फिर ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, जानो बस्ती, ये सब कराते हैं। अब एड़ी का दर्द है, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। 5 दिन में श्रृंगी लगाते, 3 किलो वजन कम हुआ मेरा गुरुजी। और उम्र कितनी है तुम्हारी? 54 साल है। 54 साल, बहुत छोटी छोटी उम्र में लोगों को इधर उधर दर्द है, दर्द है, बुरा हाल। कोटि कोटि वंदन गुरुदेव। खुश हो। हाँ, ये मुछ वाले ने क्या कर लिया। तुलसी आ जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता से जानी जिसके राम नाम धन हो। महाराज जी, आपका जो लुटाया हुआ हीरे मोती हरी नाम के गुरु नाम के, वो हमको इतना 2005 से जुड़े महाराज जी, और गुरुकुली शिक्षा का ह्रास हो जाने के कारण जो शक्ति की साधना हम करना चाहते थे वो नहीं हो पा रही थी। भक्ति से जुड़े, भगवान से जुड़े, जुड़ने के बाद जो भी चैलेंज आते हैं, और हम योगा में योगा से ही ठीक करते हैं। आज मेडिकल का कोई भी मैं वो इलाज नहीं करता, यहाँ से हमें हॉस्पिटल है, सब कुछ है, होते हुए भी क्लाइमेटेशन में गया मैं, पोस्टिंग थी मेरी लेह में, वहाँ 6 दिन क्लाइमेटेशन के दौरान मैं पूरा योगा का पैकेज करता रहा महाराज जी। और सब कोई बोलते हैं कुछ हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन आपके ऊपर इतनी आस्था थी, और इससे कुछ नहीं है, बड़े बड़े रिसर्च, हर चीज़ सर्वांगासन से लेकर के हर चीज़ कर रहे हैं, और आज बस एक मानव धर्म इंसान बन करके और आपकी सेवा में लगे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम आप आस्था चैनल को मैं देखता हूं, 2005 से जुड़ा हूं गुरुदेव, और बस वहां से मैं प्रणाम करके मैं सीखता रहता हूं, और इतना कुछ सीखा मैंने, शायद ये हमारे जीवन में जो हमारे टर्नओवर में जो मानव शरीर मिला है ये परमात्मा की कुछ देन है, कि आपको देखा, ये ख्याल आया कि शायद आपको मेरे लिए भेजा गया है।